नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 16 सितंबर 2020 को जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। सूर्यदेव जो कि अभी तक अपनी राशि सिंह राशि में थे और अब वो वहाँ से निकल कर कन्या राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब सूर्यदेव सिंह राशि में आए थे, जिसके मैंने पहले भी बताया था कि लोगों का जो मनोबल है, जो आत्मबल टूट रहा था, वो बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के बीमारी की वजह से जो लोग बहुत परेशान हताश हो रहे थे, क्या होगा, अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि हम इस बीमारी के साथ भी रह सकते हैं और इस बीमारी से लड़ भी सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो हमारा आत्मबल है वो मजबूत हुआ। और अब जो कन्या राशि है, अगर जॉडिक के हिसाब से देखा जाए तो सिक्स हाउस आता है। सिक्स हाउस जो होता है वो डेली रूटीन का होता है। तो जो डेली रूटीन आपका बिल्कुल शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, अब वो शेड्यूल सही होगा। बहुत सारे लोग जिनकी नौकरियां जा रही थी, क्योंकि सिक्स हाउस नौकरी को भी बताता है, तो नौकरी भी बहुत लोगों को मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी जगह या चैलेंजिंग पोजिशन में बैठा है, या सूर्य की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। देखिए, क्योंकि हम जो राशि परिवर्तन बताते हैं वो एक जनरल प्रोडिक्शन होती है, लेकिन आपके नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है आपके ग्रह की, वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रही है तो गोचर सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। यदि वो वहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं है या वहाँ दशा अंतर दशा अच्छी नहीं आई, तो निश्चित रूप से इन साधारण राशिफल से आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम एक जनरल प्रिडिक्शन करने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न राशि वालों के लिए सूर्य की जो ये संक्रांति होती है उसका क्या महत्व होता है। लेकिन उससे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य संक्रांति क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार से ग्रहण महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से अमावस्या महत्वपूर्ण होती है, जिस प्रकार से पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण सूर्य की संक्रांति होती है। सूर्य धरती का राजा है। राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो देने की प्रवृत्ति रखता है। सूर्य वो राजा है जो हर जगह अपना प्रकाश फैलाता है। वो किसी अमीर गरीब, यहाँ देना है वहाँ देना है, इन चीज़ों को नहीं सोचता। वो पूरी धरती को देता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है, इसलिए वो राजा है। तो यदि आप अपना सूर्य मजबूत करना चाहते हैं तो सूर्य देव की आराधना के साथ साथ देने की प्रवृत्ति रखें। जो व्यक्ति आत्म त्याग की प्रवृत्ति रखता है ना, उसका सूर्य अपने आप मजबूत हो जाता है। तो यदि आपको लगे कभी कि आपका सूर्य अच्छा वर्क नहीं कर रहा, तो कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह सूर्य की रोशनी ले, सुबह 8 बजे से पहले के सूर्य की, और हमेशा अपने मन में एक सद्भावना रखें कि आज मुझे किसी का कुछ भला करना है। आप देखेंगे, आप एक कदम उठाएंगे, 10 कदम आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे कि विभिन्न राशियों में सूर्य देव का राशि परिवर्तन कैसा होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ उपाय जान लेते हैं। देखिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद आप मंदिर में जाकर थोड़ा सा गेहूं या आटा, गुड़ और सूर्य देव की जैसे पसंदीदा धातु होती है तांबा, इन चीज़ों का दान करें। ज़रूरतमंदों को आप मीठी पूड़ी का भी दान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस दिन किया जो दान होता है ना, इस दिन किया जो जप होता है, पूजा पाठ होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आप इस दिन 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार और गायत्री मंत्र का जाप करें। मतलब इनमें से जो आपको अपनी सुविधा अनुसार, टाइम की सुविधा अनुसार लगे, कम से कम छोटे उपायों को ही करें, आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत बड़े उपाय, बहुत बड़े पूजा पाठ से चीज़ें बदलती नहीं है। जितनी चीज़ें आपके, एक तो सबसे पहली चीज़ बदलनी चाहिए अपना नेचर, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहिए। जितना हम अंदर से अच्छे होते जाते हैं ना, बाहरी चीज़ें अपने आप हमारे लिए अच्छी होती जाती है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा दान देने की प्रवृत्ति, कुछ देने की प्रकृति, केवल सामान का दान नहीं, वरन अगर आपने प्रकृति से कुछ लिया तो आप प्रकृति को पेड़ लगा के दे सकते हैं। यदि पानी कहीं गिर रहा है तो आप पानी का टैप बंद करके प्रकृति को, वहाँ की जो प्रकृति की हानि हो रही है उसको बचा सकते हैं। कहीं कोई गंदगी हो रही है तो उसको आप साफ करके धरती को बचा सकते हैं, या सफाई करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे काम ही हम कहते हैं कि हमारे जीवन को बदलाव लाने में बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी तरह छोटे मोटे दान और अपने अंदर के इंसान को अच्छा बनाना आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो अब बात करेंगे राशिफल की, कि विभिन्न राशि में सूर्य देव का जो है राशि परिवर्तन हो कैसा होगा। तो चले चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो अब बात करेंगे मेष राशि की। यदि आपकी जो राशि है वो मेष है, तो सूर्य देव का जो गोचर है वो आपकी
छठे भाव में होगा, अर्थात यहाँ पे कन्या राशि आएगी छठे भाव में आपके। तो यहाँ पर जो सूर्य देव का गोचर है, माना जाता है कि छठे भाव में सूर्य देव का गोचर बहुत अच्छा होता है। आपको नौकरी संबंधित जो भी बाधा आ रही थी उसमें आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपका जो डेली का रूटीन है वो भी चेंज होगा और आपको जो शत्रु बाधा थी उसमें भी आप विजयी होकर बाहर आएंगे। तो मेष राशि वाले के लिए सूर्य देव का जो ये राशि परिवर्तन है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव देखा जाए तो पांचवी राशि से अर्थात सिंह राशि से वो कन्या में आएंगे, तो अपने से दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन का लाभ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें वृषभ राशि की, तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपके लिए जो सूर्य देव का गोचर रहेगा वो आपके पंचम भाव में रहेगा, अर्थात आपके विद्या के भाव में रहेगा, आपके ज्ञान के भाव में रहेगा, संतान के भाव में रहेगा। तो थोड़ी सी परेशानी आपको संतान संबंधी देखने में आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे चूँकि बुध देव पहले से ही रहेंगे तो एक तरह से बुधादित्य योग बनेगा, तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। तो यहाँ पे लाभ की संभावना है, यदि आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस समय किया गया जो आपका प्रयास है वो आगे आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आपकी राशि है मिथुन तो जो सूर्य देव का गोचर है वो आपके चौथे भाव में होगा। अब चौथा भाव आपका क्या होता है? चौथा भाव आपका परिवार होता है, आपकी माता होती हैं, आपका घर की सुख सुविधाएं होती हैं, गाड़ी होती हैं। तो देखिए चौथे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़ी सी अनिद्रा की शिकायत भी हो जाती है। तो यदि आपके मिथुन राशि और आपके चौथे भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है तो थोड़ा शांत रहने का प्रयास करें। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान दें, वाणी पे नियंत्रण रखें। तो ये चीज़ें यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। साथ ही साथ वो आप जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में उपाय बताए वो ज़रूर करें। सूर्य संक्रांति के अलावा आप हर रविवार के दिन यदि सूर्यदेव को जल देते हैं और एक टाइम भी यदि आप अपने भोजन में नमक का परहेज करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्यदेव आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। देखिए यदि आपकी राशि कर्क है तो सूर्यदेव का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में होगा। देखिए सूर्यदेव का तीसरे भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, आपके पराक्रम में बल में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत फलदायी सिद्ध होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। यदि आपकी राशि है सिंह तो जो सूर्यदेव का गोचर है वो आपके दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, तो यहाँ थोड़ा सा सूर्यदेव जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो वाणी संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं, तो जो भी समस्या आएगी वो आपको वाणी संबंधित आएगी, अर्थात आपके बोलने की वजह से आप अपने शत्रु बनाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। कितनी बार हम सोचते हैं हम तो स्पष्ट बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं, हम तो सही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्पष्टता वो सच्चाई भी दूसरे लोगों को चुभने लगती है। तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम करें, निश्चित रूप से सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए शुभदायी होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि के लिए तो लगन अर्थात आपकी जो राशि है, चूँकि अगर ये आपका लगन भी मान लिया जाए और राशि भी यही है, तो चूँकि लगन में राशि में इस तरह से आपका जो परिवर्तन होगा सूर्यदेव का वो अहंकार की भावना बढ़ाएगा। माना जाता है कि लगन में बैठा जो सूर्य होता है वो अहंकार को घमंड को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर चलें। हालांकि बुध देव भी वहाँ हैं लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगी कि अहंकार का त्याग करके आप कोई भी काम करेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस समय का जो सबसे बेस्ट सदुपयोग है वो आप अपने करियर के क्षेत्र में करें। आपको करियर के क्षेत्र में जो भी बाधाएं हो रही हैं, शत्रु परेशानियां, वो सब भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब बात करेंगे सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है वो यदि आपकी तुला राशि है
तो कैसी रहेगी। अब देखिए तुला राशि के लिए जो सूर्यदेव का गोचर है वो 12th हाउस में है, तो 12वें भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। यदि विदेश की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो वो यात्रा हो सकती है आपकी, लेकिन फिर भी कहूँगी कि ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें। मान प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि पहुँचने की संभावना दिखाई देती है। अब बात करेंगे कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो जो सूर्यदेव है उनका गोचर आपके लाभ भाव में होगा। लाभ भाव में सूर्यदेव का जो गोचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लाभ भाव में गया सूर्य का जो गोचर होता है वो व्यक्ति को धन सम्मान समृद्धि उन्नति तरक्की सभी कुछ देता है। तो कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वाले के लिए लाभ भाव में जो सूर्यदेव का गोचर है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ अष्टमेश बुध भी उनके साथ बैठे तो थोड़ा बहुत परेशानी शत्रु बाधा गुप्त शत्रु बाधा भी लगी रहेगी, इस चीज़ का भी ध्यान दें। अब बात करेंगे धनु राशि की। अगर आपकी धनु राशि और सूर्यदेव आ जाएंगे आपके दशम भाव में, दशम भाव में आकर सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं, तो खासकर जो आपका करियर का क्षेत्र है जहां आप काम करते हैं वहां आप राजा की तरह चमकेंगे, तरक्की उन्नति मिलेगी। यदि राजनीति के क्षेत्र में तो वहां भी आपको नाम सम्मान और प्रसिद्धि इस समय में देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि धनु राशि वालों के लिए जो सूर्यदेव का ये गोचर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले के लिए जो पाँचवीं राशि अर्थात जो सिंह राशि है वो नवम भाव में पड़ती है, और नवम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करता है। तो इस समय जो धनु राशि वालों के लिए जो कन्या राशि में गोचर है सूर्यदेव का, ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस समय का भरपूर सदुपयोग करें, अपने कार्यों को अच्छा करें, निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए जो सूर्यदेव का गोचर है वो नवम भाव में होगा। नवम भाव के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि नवम भाव में जब भी सूर्यदेव का गोचर हो तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ता है, और इस समय यदि आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं या ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपनी ध्यान साधना को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन फिर भी देखिए जो सूर्यदेव होते हैं वो यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा बहुत भाग्य में आपके परेशानी गुप्त शत्रु बाधा भी देखने को मिलेगी, लेकिन यदि आप धार्मिकता के साथ पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर में श्रद्धा के साथ इस समय कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और शत्रु बाधा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्यदेव का गोचर होगा वो आपके अष्टम भाव में होगा। यहाँ पे सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, ये पीड़ित भाव होता है, और यहाँ पे सूर्यदेव जब आते हैं तो बहुत अच्छा नहीं होता। तो इस समय गुप्त शत्रु बाधा या किसी प्रकार की पाइल्स या बबा सीट जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। देखिए यदि आपकी मीन राशि है तो सूर्यदेव का जो गोचर होगा वो आपके सप्तम भाव में होगा, जहाँ पे आपका विवाह का सुख होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीवन साथी या जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ मन मुटाव की संभावना हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न होगा आपका खुद का व्यवहार। तो यहाँ पे अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें, सोच समझ के बोले, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा समझदारी से काम करें, तभी आपके लिए सूर्य का गोचर फलदायी होगा। इसके अलावा जो मैंने सूर्यदेव के आपको उपाय बताए वो निश्चित रूप से करें, तो वो सभी उपाय यदि आप करते हैं तो सूर्यदेव का जो ये गोचर है कन्या राशि में आपके लिए लाभदायक होगा। और इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।